का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज एक बहुत खास जानकारी जिहड़ी आ संगतां दे नाल गुरु पंथ खालसा नाल सांझी करनी आ। किसान मोर्चे दे दौरान जो संघर्ष चल रहा उहदी बहुत सुचजे तरीके दे नाल हुण पंथ ने जिम्मेवारी वकीलां ने सारे समाज दे वर्गां दे लोक उच शामिल हो गए ने। वकील भाईचारा बहुत तनदेही नाल दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी साडे वल्लों पंजाब लायर्स वल्लों लायर्स फॉर ह्यूमन राइट इंटरनेशनल होर वकीलों बार एसोसीएशन वालों सिख लीगल असिस्टेंट बोर्ड वालों सारे वालों रल मिल के जी वधिया तरीके चाराजोई की जा रही है वो सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। दूजी एक होर अहम जानकारी जो कि इस जुड़ी भी हुई है पर वक्री भी है वह यह है कि जेडे नैशनल इन्वैसटीगेशन एजेंसी वालों केस पंजाब के अलैज्ड टारगेट किलिंग दे सी छेरा बग्गा जग्गी जौल ते होर नौ 11 नौजवानों के उत्ते उन्हां चों 6 केस NIA ते सुप्रीम कोर्ट का जज जस्टिस अरुण मिश्रा झूठ बोल के झूठे तत्थां के आधार पर उन्होंने ट्रांसफर कर दिता गया सी 6 केसां नूं भी ते 11 नौजवानों नूं भी दिल्ली की तिहाड़ जेल दे विच ये कह के भी इन्हां ने इन्हां दी जिहड़ी सुरक्षा जिहड़ी आ यकीनी बनाउण वास्ते इन्हां तिहाड़ जेल लिजाया जा रहा ते जज ने झूठ बोलिया कि इन्होंने कई गवाह मार दिते आ। सो एक वक्री गल आ हुण एक घटना सामने आई भी जदों 26 जनवरी दीआं घटनावां किसान अंदोलन दीआं लाल किले तो बाद होईआं ते 26 तो बाद ही जिहड़े इन्हां केसां नाल संबंधित नौजवान ने उन्हां नूं खालिस्तानी कह के भी तुसीं झंडे लड़ा रहे हो उन्हां नूं माड़ा विहार कीता जांदा रहा। पर एक खास घटना 28 ते 29 जनवरी की रात नूं सामने आई सेंट्रल जेल नंबर 1 तिहाड़ नवी दिल्ली दे हाई रिस्क वार्ड के इन्हां केसां नाल संबंधित अमरिंदर सिंह पुत्र सरदार सतवीर सिंह वासी सलाना दुल्ला सिंह थाना मलोह जिला फतेहगढ़ साहब ते धर्मिंदर सिंह उर्फ गुगनी पुत्र बलवंत सिंह वासी मेहरबान थाना मेहरबान ते जिला लुधियाणा का जो रहन वाले आ इस हाई रिस्क वार्ड के तिहाड़ जेल नंबर 1 के बंद सी। इन्हां नूं 28-29 जनवरी 2021 की रात नूं जेल दे ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट जय सिंह वल्लों कढ़िया गया। उन्हां नूं एक दो दिनों तो उन्हां दे नाल खाल खांदा सी उन्हां नूं मारे बचन कुवचन बोल रहा सी गालां कढ़ रहा सीगा पर वो चुप सन। पर 28-29 की रात को डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट जय सिंह ने उन्होंने उन्होंने हाई रिस्क वार्ड चो कढ़िया उन्होंने नाल बेहताशा कुटमार की गई उन्होंने चक्कर च लिजा के उन्होंने कपड़े लाते गए उन्होंने दस्तारा से उन्होंने सरूप की दाहरिया की बेअदबी की गई वाल पुटे गए तो उन्होंने नंगिया करके ठंडिया चक्कियां दे विच जिहड़े आ उन्होंने बिना बिस्तरे बिना खाण पीन तो बेहताशा कुटमार करके बन के पाता गया। उन्होंने कहा गया भी मैं अगे भी ढाडे अर्गिया के नाल बहुत सीधे हो के चलिया तो मैं जे चाहवा तो जेल के अलार्म करके तुहानू जानों भी मार सकदा तुसीं वड्डे खालिस्तानी हो ढाडिया साथियों ने जिहड़ा लाल किले झंडे उत्ते झंडा लाया खालिस्तान का तिरंगे का अपमान किया। सो वो अपनी ड्यूटी नूं भुल के ते अपनी मुतसबी पुणे के तहत जय सिंह डिप्टी सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल नंबर 1 ने यह कार्रवाई की है जिहदी जानकारी फिर उत्थों ही हुण पुलिस वाले विच चंगे भले भी हुंदे आ जिन्हां ने सानू परिवारां नूं यह जानकारी दी भी इस तरह का वाकया हो गया तो उस दिन जिहड़ा 29 तरीक नूं फिर असीं जिहड़ा हैगा वह नैशनल ह्यूमन राइट कमीशन वालों मेरे वालों जी शिकायत दर्ज कराती गई सी नाल दी नाल CM केजरीवाल नूं ईमेल करती गई सी दिल्ली मिनोरिटी कमीशन नूं ईमेल करती गई सी जिहदे तहत CM केजरीवाल वालों रिप्लाई भी आया। उन्होंने कहा भी कंसर्न डिपार्टमेंट नूं असीं जिहड़ी आ फॉरवर्ड करती है शिकायत तुहाडी ते नाल दी नाल दिल्ली मिनोरिटी कमीशन दे जिहड़े उत्थे जानकार साडे वीर आ दिल्ली उन्होंने संपर्क किया सी उन्होंने जो चेयरमैन है APS बिंदरा तो वह भी उन्होंने भी कार्रवाई करने का भरोसा दिता। सो सानू जिथे तक ये कार्रवाइया करवाया चाहिए ने कानूनी तौर पर असं चाराजोई कर रहे हैं उत्थे पंथक तौर के उत्ते भी सुचेत होना चाहिए संगतान भी जोड़े नौजवान साढ़े जेलों के बैठे उन्होंने नाल ऐसा दुर्व्यवहार जोड़ा ऐसे मुतसबी जय सिंह वर्गे डिप्टी सुपरिटेंडेंट वालों किया गया यदा सानू पोलीटिकली भी जवाब देना चाहिए खास तौर पर जो दिल्ली बैठे गुरु का पंथ खालसा के हिस्से है दिल्ली गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी या होर पंथक जथेबंदियां उन्होंने गंभीर नोट्स लेना चाहिए तो कार्रवाई करनी चाहिए है तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार तुरंत यहोजे जे मतलब भी अफसर आ
इन्हां नूं मुअत्तल ते बरखास्त करना चाहिए, नौकरी तो जवाब देना चाहिए, तो नाल दी नाल आइडेंटीफाई करना चाहिए भी कै होर किहड़े अफसर इहदे विच ऐसे सोच वाले हैगे आ। दूजी जिहड़ी गल हैगी इहदे नाल जुड़ी हुई उह इह है भी जिवें इहो जिहे हालात दिल्ली दे विच बनाते गए आ सेंटर बीजेपी सरकार वल्लों कि इहो जिहा जिहड़ा तबका हैगा समाज दे विच भावें किसी महकमे च कम करदा ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਤਸਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਸਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੱਖੇ ਆ, ਦੋ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਤਿੰਨ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਹਾਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥਰੂ VC NIA ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਮੋਹਾਲੀ ਤਰੀਕ ਆ, ਪਾਸੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਤਰੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ VC ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।